Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पवन पुत्र हनुमान महाराज के इन 10 बातों से आप अनजान होंगे, तो आइए आपको हम उन 10 बातों को आपको बताते हैं। संकट मोचन प्रभु हनुमान को कौन नहीं जानता, भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने से ही हर लेते हैं प्रभु हनुमान। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है जो अजर अमर हैं। कुछ ऐसी ही बातें हैं जो हर कोई जानता है, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान के जीवन के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में आप शायद न जानते हों। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रभु हनुमान जी को भगवान शंकर का अवतार माना गया है और वो अपनी माता के श्राप को हरने के लिए ही पैदा हुए थे। राम भगवान की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। ये बातें सुनकर प्रभु हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था और तभी से बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। अपने ठोड़ी के आकार की वजह से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठोड़ी। क्या आपको पता है कि ब्रह्मचारी हनुमान पिता भी हैं? राम भक्त हनुमान को तो हम सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका मकरध्वज नाम का एक बेटा भी था। एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने प्रभु श्री राम को हनुमान जी को सजा देने को कहा था। लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहां के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से रामायण लिखनी शुरू की, और जब रामायण लिख लिया तो उसके बाद वाल्मीकि जी को यह पता चला तो वो हिमालय गए और वहां पर लिखी रामायण पढ़ी। तो वाल्मीकि जी से पहले ही हनुमान जी ने रामायण लिखी थी, शायद आपको ये तथ्य न मालूम हो। पवन पुत्र हनुमान के भाई थे भीम, क्योंकि वो भी पवन पुत्र के ही बेटे थे। प्रभु राम जानते थे कि उनके मृत्यु को हनुमान जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और इस कारण से कहीं वो धरती पर उथल पुथल न मचा दें, इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सहारा लिया और हनुमान जी को शांत रखने के लिए उन्हें पाताल लोक भेज दिया। जब हृदय में प्रकटे राम और सीता, माता सीता ने प्रेमवश एक बार हनुमान जी को एक बहुत ही कीमती सोने का हार भेंट में देने की सोची, लेकिन हनुमान जी ने इसे लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता गुस्सा हो गई। तब हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़कर उन्हें उनमें बसी प्रभु श्री राम की छवि दिखाई और कहा कि उनके लिए इससे ज्यादा कुछ भी अनमोल नहीं है। हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम हैं और हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.